कि हरियाणा के नूह के अंदर वजह बताइए होता है, वजह क्यों है ये बताइए ना, लोग हमला करते हैं। अरे लिस्ट दीजिए, अरे वजह बता रहे ना, अरे लिस्ट दीजिए, बैठे हो आप लोग, वजह बैठे हो आप लोग, अरे वजह बैठे हो आइए कि जब से मोदी वजह बैठे हैं ना, अरे मैं तो बता रहा हूँ वजह आप लोग बैठे हो भाई, इससे पहले पत्थरबाजी देश में क्यों नहीं होती थी, हाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहीं पत्थरबाजी क्यों हो रही है, क्यों ये साजिश हो रही है, मुझे इसका जवाब दीजिए ना, पहले की लिस्ट दूं, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, पत्थर चले तो हर जगह और पत्थरबाजों के हिमायत में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये पत्थर चले क्यों, अरे भाई कहां थी सरकार, कहां थी सिक्योरिटी, कहां थी इंतजामिया, साल कौन सा उत्सव ऐसा गया है, अरे क्यों हुआ, चलाए हो, अरे भाई सवाल ये है कि कहां क्यों हुआ, आप लोगों सरकार क्या खुफिया विभाग क्या कर रहा था, आप लोगों क्या उनके पास इनपुट नहीं थे, यहाँ कौन कौन लोग हैं, अच्छा मैं आगे बढ़ क्या बात कर रहे हो, लिस्ट गिना रहे हो, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट निकाले स्थिति क्या होता है, मुमताज आलम रिजवी क्यों नहीं लिस्ट निकाले, क्यों हुआ, एक जो वो लिस्ट गिनवा रहे थे, अगर मैं आपको सुनवाना शुरू करूँ, पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, हावड़ा चले जाइए, बंगाल के गुजरात के हिम्मतनगर चले जाइए, मध्य प्रदेश के खरगोन चले जाइए, झारखंड के लोहरदगा चले जाइए, राजस्थान के करौली चले जाइए, तो क्यों नहीं लिस्ट निकाले भाई, क्यों हो रहा है, क्यों लिस्ट निकाले, तो जवाब दीजिए ना, क्यों हो रहा है, आप सरकार जवाब दे, हाजी नाजिम खान ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो नाबालिग बच्चे उनको किस मदरसे में ये ट्रेनिंग मिली है कि जाकर पत्थर बरसाओ। हाँ राकेश भाई देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, तो देखिए ये कोई इसमें शक शुभ करने की गुंजाइश नहीं है, हम लोग निशाने पे हैं। अभी बात पत्थरबाजी की आती है तो मैं एक फोटो दिखा, हाँ सुन लीजिए, मैं एक फोटो ये दिखाना चाहता हूँ, सुन लीजिए हाँ ये मैं एक फोटो दिखाता हूँ, किस फोटो में लीजिए, हाँ सुन लीजिए, देखिए राकेश भाई देखिए कौन पत्थरबाजी कर रहा है, किसका झंडा है ये देख लीजिए, लेकिन हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है, अब तक बात ये आती है कि अभी आपसे एक बार आचार्य जी रुकिए, नाजिम खान की आवाज साफ नहीं आ रही है, उनको एक बार बोलिए, हाँ अरे सुन लीजिए, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बोलता है ना आपके पेटों में क्यों क्यों मिर्चे लगने चालू हो जाते, अरे सुन लीजिए, मैं भी भारतीय हूँ आपका भाई हूँ, मैं कोई भारत से बाहर का नहीं हूँ, आप सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से घर के दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए, क्या वो संवैधानिक के प्रक्रिया में आता है, क्या वो सारे लोग जो विदाउट ड्रेस को, अरे हो सकता था क्या पता पुलिस वाले खाना मिल रहा है, एक मिनट रुकिए, आचार्य जी रुकिए, राकेश त्रिपाठी, ताला क्यों तोड़ दिया, दिक्कत हो गई, बुलडोजर क्यों चला दिया, दिक्कत हो गई, राजस्थान के करौली में चल गया पत्थर, वहां पर पत्थरबाज घूमते रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए था, सवाल पूछ रहा हूँ कि किस मदरसे में कट्टरबाजी पत्थरबाजी की ट्रेनिंग मिल रही है, इसका जवाब नहीं आ रहा है, कह रहे हम ही टारगेट पर है। देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं, जाकिर नाइक ने आज ही बयान दिया है कि भारत के भीतर 30 करोड़ मुसलमान हैं और 50 लाख मुसलमान अगर खाली तय कर लेंगे तो वक्फ के संदर्भ में बिल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पास नहीं करा सकती है, इसलिए इतने लोग खड़े हो जाएं, और यही जाकिर नाइक को शांति का दूत बताने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं, तो कनेक्शन कैसे स्थापित हो जाता है कि जाकिर नाइक जैसे लोग अपने बयान उसे भड़काने का काम करते हैं, हाजी नाजिम खान जैसे लोग अपने बयान उसे भड़काने का काम करते हैं, मुमताज आलम रिजवी उस पर रफू करने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी उनको बैकअप देने का काम करती है, खाद पानी देने का काम करती है, और फिर कहेंगे कि हम उपद्रवियों के साथ नहीं है, सच बात यह है कि आप उपद्रवियों के साथ खड़े हैं, आप हिंदू त्योहारों को जानबूझकर टारगेट बनाने के लिए उनको खाद पानी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट सुन लीजिए, अगर हिंदू त्योहारों पर किसी प्रकार का पथराव करने की साजिश रचेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो कानून का डंडा पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा, कोई मुरम्मत नहीं होगी, कोई उदारता नहीं होगी, आप लोग कोई इस मामले में छूट नहीं बन सकते, उसके सामने भी पेश होंगे, एक मेरा सवाल है, राकेश जी आ रहा हूँ, मुमताज आलम रही है, हाजी नाजिम खान पूछ रहे हैं ताला तोड़कर क्यों निकाल दिया, रे भाई तो असंवैधानिक है, पत्थर चलाया वो संवैधानिक था, देखिए ठीक है वो संवैधानिक था, मैं घर में जाकर ताला बंद करके छिप गया, कोई संवैधानिक ताला तोड़ दिया तो संवैधानिक हो गया भाई, परिभाषा है, एक मिनट, पत्थर चलाना संवैधानिक बिल्कुल नहीं है, तो क्यों उसके साथ खड़े दिखा रहा है, चलना शुरू क्यों हो गया, नाजिम खान
बताते, क्यों नहीं कह रहे हैं? उठाकर डाल दो जेल में, ये कौन को बदनाम कर रहे हैं? जो लोग पत्थर चलाते हैं, लेकिन पत्थर चलने क्यों शुरू हो गए? मुझे ये बताइए ना, पूरे देश में पत्थर क्यों चलने लगे? किसकी साजिश है? कौन इस साजिश में शामिल है? किसने आगे कर दिया? और मैं आपको ये भी बता दूं कि पत्थरबाजी इस तरीके से माहौल बना करके करवाई जाती है, और फिर उसमें जो अच्छे कायदे के लोग साहब ऐसे लोग हैं उनके घर गिराए जाते हैं, मनोहर कहानियां पढ़कर आप आइए और कहिए कि पत्थर चलवाए जाते हैं। तो सर या तो प्रूफ लेकर चले आइए, सबके हाथ में मोबाइल है। ये साजिश देश के लिए हानिकारक है, चंद्रमोहन जी हानिकारक है देश के लिए। चंद्रमोहन जी आपके दर्जन भर नेताओं के स्टेटमेंट हैं, अगर उठा लिया जाए प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट, लेकिन सर आप उन पत्थरबाजों की आलोचना नहीं कर पाते हैं, उनके साथ खुद को खड़ा भी दिखाने लगते हैं इनडायरेक्टली। 20 सेकंड में बोलिएगा। देखिए दर्जन भर नेताओं की भाजपाओं की बाइट्स हैं जिसके अंदर वो मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं। कितनी दुविधा है देश के अंदर। दर्जनों भाजपा के ऐसे नेता हैं और दर्जनों भाजपा के ऐसे समर्थक हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो मुसलमान को कुसरवाल ठहराते हैं और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम सम्मान देते हैं और सरकार की सभी निधियों के योगदान के अंदर मुसलमान हिस्सा लेते हैं। वो पता है सर, बड़ी दुविधा में है देश के लोग। राकेश त्रिपाठी 10 सेकंड में दुविधा में, और कुछ लोग वो भी हैं जो मीडिया वाले हैं जो दुविधा में अंधभक्त हैं। मैं तो चंद्रमोहन शर्मा जी से पूछ रहा हूँ, ये भागलपुर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हासिमपुरा का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये मलियाना का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये मुजफ्फरनगर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये सांप्रदायिक दंगे आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थर चल रहा है? अरे गोलियां चलती रही हैं आपके कार्यकाल में। सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा कुख्यात इतिहास है। ठीक है, ठीक है चंद्रमोहन जी। सर सवाल सिर्फ इतना था कि आपकी पार्टी के नेता अगर इसकी आलोचना कर दी होते कि पत्थर नहीं चलनी चाहिए थी भाई, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, बात खत्म हो जाती। हाजिर आजिम खान आप ये कहने की मत जुटा पाते कि ताला तोड़कर क्या घर तोड़कर भी निकालना पड़े पत्थरबाजों को, तो निकाल लीजिए, हम इसकी आलोचना करते हैं, पत्थर नहीं बरसाना चाहिए था गणेश पूजा पर, बात खत्म हो जाती। मुमताज आलम रिजवी कह देते कि बच्चों को ऐसे कट्टरता का पाठ कौन पढ़ा रहा है, पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन सर आप नहीं करते हैं ऐसा।